हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आज LIC AA का मॉक देने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा कल इंटरव्यू था IBBS PO का, तो वो लखनऊ में था, तो मुझे थोड़ा उसकी प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए कुछ दिनों से मैं सिर्फ इंटरव्यू की ही तैयारी कर रहा था और ये मॉक की तैयारी नहीं कर रहा था मैं, एग्ज़ाम की, LIC की। तो फाइनली एक इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा गया है, हालांकि लास्ट ईयर भी अच्छा गया था लेकिन मार्क्स उतने दिए नहीं थे उन्होंने। इस बार भी अच्छा गया है, इस बार थोड़ा कम पूछा है मुझसे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे मेरे, मतलब मुझे। और बैंकिंग में सिर्फ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये पूछा था, क्या होता है ये पूछा था, और बैंक के लिए आप क्या करोगे वो पूछा था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके डिसएडवांटेजेस पूछे थे मुझसे, और फिर बाकी पर्सनल था, मेरा नाम क्या है, ये कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, जो मैंने गोधरा से करी है, गुजरात से स्कूलिंग, तो पूछा था गोधरा किस बात के लिए फेमस है, ये सब पूछा था उन्होंने। और पहले टीचिंग में थे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो फिर यहाँ पे क्यों स्विच हुए, ये सब पूछा था। तो नॉर्मल पूछा था, लास्ट ईयर तो ज़्यादा पूछा था मुझसे, इस बार तो कुछ पूछा ही नहीं मुझे ऐसा लगा। और देखो, ये लोग हंस हंस के तो बात करते हैं, लेकिन अब स्टिल देखो क्या नंबर देते हैं वो लोग, और मेंस पे क्या मार्क्स आए हैं वो भी, इस पर भी डिपेंड करता है कट ऑफ से कितने ऊपर नंबर हैं। तो कल से तो मैं टेंशन में ही हूँ, क्योंकि क्या देंगे क्या देंगे, क्योंकि अब मन मानता नहीं है मेरा, क्योंकि अच्छा जाए तब भी मन नहीं मान रहा, क्योंकि पता नहीं लास्ट ईयर मैंने ये चोट खाई हुई है। वो हंस हंस के बात करते हैं इंटरव्यू वाले, तो पैनल वाले, लेकिन स्टिल दे गिव यू 60-65, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस बार तो कुछ ज़्यादा मैंने हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं, अच्छा गया है, लेकिन देखो क्या नंबर देते हैं वो लोग, है ना। तो अब मेरा LIC AA मॉक का जो एग्ज़ाम है वो 17th ऑफ फैब को है, परसों है, तो आज और कल और पढ़ाई करनी है मॉक देने, तो वीडियो आज और कल मैं थोड़े मॉक दूंगा मैं। तो शुरू करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू। और जिनका भी इंटरव्यू हो गया है बताइएगा कितने देर गया, मेरा 8 मिनट गया था, और ऑलमोस्ट जो ये क्वेश्चंस थे यही पूछे थे, ज़्यादा नहीं पूछा मुझसे। लखनऊ में था मेरा, है ना, होटल JBR ग्रैंड होटल। और आपका कब है, अगर हो गया है तो क्या क्वेश्चंस थे, कितना ड्यूरेशन का था, ये सब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं। LIC AA प्री, इस बार मैं स्मार्ट किडा के कम ही दे रहा हूँ, OB के ज़्यादा दे रहा हूँ। तो स्मार्ट किडा का 12 हो गया था, 11 तो ऐसे ही सबमिट कर रहा था मैंने तुक्के मारने के लिए, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। अब मॉक नंबर 13 देते हैं। एट परसेंट वाला ठीक है, एक ही तो नहीं है क्वेश्चन इसका, एक ही है, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंसी, एक पज़ल ये है, तो यहाँ तक होगी, ठीक है। यहाँ से है 14 से, सम रूफ इज प्लेट, नो प्लेट इज वाटर, ऑल वाटर इज पेज, ठीक है। सम पेज कैन नेवर बी प्लेट, सम पेज, हाँ बिल्कुल, नो रूफ इज वाटर, नो रूफ इज कह नहीं सकते, तो ओनली वन फॉलोज। ऑल सिस्टम रनिंग, सम मशीन इज रनिंग, ऑल स्काई इज सिस्टम, ऑल स्काई इज सिस्टम, ऑल स्काई इज मशीन, ऑल स्काई इज रनिंग, ऑल स्काई इज रनिंग सही है। नो प्रूफ इज रेड, हाफ रेड इज पुलिस, ऑल पुलिस इज ग्रीन, ठीक है। सम ग्रीन इज रेड, सम ग्रीन इज रेड यस, सम पुलिस इज नॉट प्रूफ, सम पुलिस इज नॉट प्रूफ यस, बोथ फॉलोज। 75% टेबल इज डॉग, ऑल डॉग इज स्पॉट, ऑल स्पॉट इज ग्रास, ऑल ग्रास इज डॉग, ऑल ग्रास इज डॉग नहीं, सम टेबल इज नॉट डॉग, सम टेबल इज नॉट डॉग, ओनली अ फ्यू है ना, हाँ ठीक है, ओनली 75, तो नहीं, ये ओनली लिखा था मतलब क्या हुआ, ऑल डॉग इज टेबल, तो सम टेबल इज नॉट डॉग। हम्म,
सम टेबल इज नॉट, एक मैं वापस बनाता हूँ, ऑल डॉग इज टेबल, ऑल डॉग इज स्पॉट, ऑल स्पॉट इज ग्रास, ऑल ग्रास इज डॉग, ऑल ग्रास नहीं, सम टेबल इज नॉट डॉग, सम टेबल इज नॉट डॉग, हो भी सकता है ना, नहीं भी, क्या करें इसमें, ओनली टू कर दें क्या? वैसे तो नीदर लग रहा है मुझे, नीदर करते हैं। फ्यू वर्ड्स आर साउंड, एवरी साउंड इज वोवेल, सम वोवेल इज शॉर्ट, सम साउंड इज नॉट वोवेल, सम साउंड इज नॉट वोवेल, एवरी साउंड इज वोवेल, तो सम साउंड इज नॉट वोवेल गलत है। फ्यू वर्ड्स आर शॉर्ट, फ्यू वर्ड्स आर शॉर्ट, कह नहीं सकते तो नीदर आएगा इसमें। फ्यू वर्ड्स आर शॉर्ट कह नहीं सकते, और सम साउंड इज नॉट वोवेल ये तो गलती है, तो नीदर आना चाहिए। ठीक है, ये बाद में इसको मॉक पर रिव्यू करते हैं। द फॉलोइंग नंबर इज सिक्स टू द राइट ऑफ 13 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द 13 फ्रॉम द राइट और सिक्स, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, सिक्स टू राइट ना, 1 2 3 4 5 6 9, इवन नंबर इमीडिएटली पीछे इवन नंबर, इवन इवन, एक दो तीन नहीं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस ग्यारह बारह तेरह। इफ ऑल द नंबर ड्रॉ फ्रॉम द अरेंजमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 है। हाउ मेनी टूज इन द गिवन इमीडिएटली प्रिसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय ऑड नंबर, टू ऑड है ये, एक टू इधर नहीं, दो तीन, तीन है। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेवंथ फ्रॉम द राइट, ओहो 3 4 5 6 7, नौ तक यहाँ पे और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 3 4 5, कितने चाहिए, इवन नंबर चाहिए इसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है सेवंथ ना, तो 3 3 6 और 1 7, 2 3 4 इवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। ठीक है, एक ये पजल होगी, चलो यही करते हैं। सिक्स पीपल विजिटिंग टू डिफरेंट डेट्स, 7 और 18 जनवरी अप्रैल अक्टूबर, 7 18 7 18 7 18 जैन अप्रैल एंड अक्टूबर, जैन तो है 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है 30, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 31। क्यू डज नॉट बिलोंग टू मालदीव्स, द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब इज द फर्स्ट पर्सन टू गो अमॉन्ग ऑल, ठीक है तो ये पंजाब है। क्यू मालदीव्स नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन विजिट आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू मालदीव्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट बिफोर द गोवा, गोवा से ऊपर उतने ही हैं जितने मालदीव्स के नीचे हैं, और क्यू मालदीव्स नहीं है। वन पर्सन विजिट बिटवीन ओ एंड गोवा, वन पर्सन ओ एंड हु बिलोंग्स टू गोवा, पी इज इमीडिएट आफ्टर ओ, एंड विजिट इमीडिएट बिफोर एल,
पी नीदर बिलोंग्स टू कश्मीर नॉर केरला, द वन हु बिलोंग्स टू केरला विजिट इमीडिएट आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब, पंजाब के जस्ट बाद केरला है। एल विजिट ऑन इवन डेट ऑफ 31, 31 days, 31, तो एल इधर हो सकता है या फिर एल इधर हो सकता है। एल के जस्ट ऊपर एन है, एल के जस्ट ऊपर एन है। द वन हु विजिट्स बिटवीन एल एंड द वन पर्सन विजिट्स बिटवीन एल एंड हु बिलोंग्स टू मालदीव्स, तो एक यहाँ मालदीव्स हो सकता है, एक यहाँ मालदीव्स हो सकता है। मालदीव्स के ऊपर नीचे जितने हैं इतने गोवा के ऊपर हैं। एक तो गोवा यहाँ, एक तो गोवा यहाँ। ओ और गोवा में एक का गैप है, तो ओ इधर आएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता, ओ यहाँ आएगा। ओ के जस्ट नीचे पी है, ओ के जस्ट नीचे पी है। फिर और तो कुछ दिया नहीं है इन्होंने। अब बोला है पी कश्मीर और केरला नहीं है, पंजाब और केरला, पंजाब केरला यहाँ आ जाए तो फिर केरला यहाँ नहीं है, तो पंजाब यहाँ केरला यहाँ, तो पी कश्मीर भी नहीं है ना। तो यहाँ केरला कश्मीर ओ हो गया, जो बचा वो यहाँ पे हो गया। और क्या था, ओ मालदीव्स नहीं है, क्यू मालदीव्स नहीं, तो क्यू यहाँ ठीक है बन गया। हाउ मेनी पर्सन विजिट द वन हु बिलोंग टू कश्मीर, 1, 2, 3, 4। हु विजिट इमिडिएटली बिफोर ओ, जो भी है एन है नहीं, एम है एम। द वन हु बिलोंग टू आसाम नहीं, तो केरला नहीं। सेम मंथ ना, तो एन क्यू नहीं, एम ओ, आर पी क्यू नहीं, एल ओ, एल ओ भी नहीं है, ओ पी है। केरला कौन मिले हो, केरला भैया एल है। इमीडिएट आफ्टर द वन हु बिलोंग टू कश्मीर, कश्मीर के बाद पी है, ये हो गया। अब ये 8 पर्सन गेटिंग सैलरी वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरी इन दी सेम ऑर्डर, 2 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, एक तो क्यू, क्यू एक तो पी, के गॉट सैलरी इमिडिएटली बिफोर क्यू, थ्री मोर देन 3 पर्सन गॉट सैलरी बिटवीन एम एंड एन, 3 पर्सन गॉट सैलरी बिटवीन के एंड जे, ठीक है। एक दो तीन छः, एक दो तीन, तो जे एक दो तीन, के क्यू एक दो पी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई, ये तो गलत है, 1, 2, 3, 6, 7, 3, 3, 6, ठीक है। के एंड एन गेट सैलरी इमिडिएटली आफ्टर जे एन, ठीक है। एम गॉट सैलरी इधर इमिडिएट और बिफोर क्यू, एम मोर देन 3 बोला है ना, एम और एन में 1, 2, 3, 4 एम, 1, 2, 3, तो ये केस नहीं है। एल गॉट सैलरी बिफोर ओ एंड आफ्टर एन, एल एन ओ, एन एन एल ओ यहाँ कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गया। पी और एम के बीच में 1, 2, 3 है, उन्होंने इमिडिएटली बिफोर एल, एल क्यू पी है, लास्ट में ओ है, बिफोर एल 1, 2, 3, इमिडिएटली आफ्टर के क्यू है। ओके, ये एक सिंगल है, ये भी करें कि यहाँ करें, ये वाला करते हैं। 8 पर्सन रेक्टेंगुलर टेबल, 4 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ओके
1, 2, 3, 4. वाइल फोर पर्सन सिटिंग एट द एज ऑफ द टेबल फेसिंग अवे. 1, 2, 3, 4. ठीक है, मैं अभी दो केस बना लेते हैं. टू पर्सन सिटिंग विद रोनित एंड विजय. विजय हु वॉज नॉट एडजेसेंट टू मुकेश. डेविड वॉज नॉट सिटिंग एट वन ऑफ द एनी ऑफ द कॉर्नर एंड वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चिराग. टू पर्सन सिटिंग विद चिराग एंड परीक. रोनित वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ राज. तारक वॉज सिटिंग सेकेंड टू परीक. ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा. डेविड वॉज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर एंड वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चिराग. सपोज डेविड यहाँ पर है एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चिराग यहाँ हो गया. चिराग फिर बोला है टू पर्सन सिटिंग विद चिराग एंड परीक. एक दो परीक एक में यहाँ कर देता हूँ. एक दो परीक एक यहाँ कर देता हूँ. तारक वॉज सेकेंड टू राइट ऑफ परीक. 1, 2 तारक. 1, 2 तारक. रोनित वॉज इमीडिएट राइट ऑफ राज. ठीक है, ये तो अभी रोनित वॉज इमीडिएट राइट ऑफ राज. तारक वॉज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ परीक. देखो, रोनित वॉज इमीडिएट राइट ऑफ कहाँ गया. हाँ, इमीडिएट राइट ऑफ राज. तो राज यहाँ कर सकते हैं और रोनित यहाँ कर सकते हैं. टू पर्सन से रोनित एंड विजय. तो एक दो विजय, एक दो विजय. विजय हु वॉज नॉट एडजेसेंट टू मुकेश. तो दो केस बनेंगे, मुकेश यहाँ और विजय यहाँ. एक दो, एक दो विजय, एक दो विजय. डेविड वॉज नॉट सिटिंग एनी वॉज चिराग. टू पर्सन चिराग एंड परीक. रोनित वॉज इमीडिएट राइट ऑफ राज. विजय टू पर्सन रोनित एंड विजय. एक दो विजय यहाँ बनाया अगर मैंने. हु वॉज नॉट एडजेसेंट टू मुकेश. मुकेश यहाँ बनाया. विजय ठीक है, कंडीशन है इसमें. हाउ मेनी पर्सन सिटिंग विद राज एंड चिराग व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ राज. 1, 2, 3, 4, 5. गलत तो नहीं बनाया. एक मिनट. राज रौनित. एक दो विजय नहीं. राज रौनित. एक दो विजय. राज रौनित मुकेश. यहाँ पे भी बन सकता है ऐसे तो. राज रौनित. एक दो विजय मुकेश. ये केस में एग्जिट बन रहा है तो कुछ छूट तो नहीं रहा मुझसे. चिराग एंड परिक. एक तो परिरोनी वॉज इमीडिएट राइट ऑफ राज. तारक वॉज सेकेंड टू राइट ऑफ परिक. ठीक है, राज और चिराग राइट ऑफ राज. चिराग कहाँ यहाँ है. 1, 2, 3. अपोजिट टू मुकेश इस विजय. फाइंड द ऑड. पारिक. पारिक बीच में है. तारक बीच में है. डेविड बीच में है. रोनित बीच में है. राज कॉर्नर पर है. सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू तारक. रोहित है. सेकेंड टू लेफ्ट. 1, 2. डेविड. ये हो गया. अब 14 या 19 कुछ रुक जाओ. ये करते हैं. प्रेजिस. प्रेजिस यहाँ पर है और यहाँ पर है. सेकेंड और थर्ड में ओ टी ओ टी ओ टी ओ टी है और कहीं नहीं है. एन ए एन ए नहीं है. जी एन नहीं है. ए एल तो ओ टी है. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और फर्स्ट में भी सब्जेक्ट. जे आई नहीं. जे आई है पर यहाँ पे भी है तो ये नहीं हुआ. एन ना ना इधर है तो नहीं. पी टी पी टी इधर नहीं. एम पी एम पी है. फिर टीचर टीचेस फिजिक्स. ओहो. टीचर टीचर
टीचेस टीचेस, पीटी ओटी नहीं, डीजी डीजी हो जाएगा, डीजी हो गया टीचर का, टीचेस का हो जाएगा GNOT नहीं, NA हो गया। फिजिक्स कहाँ है फिजिक्स, फिजिक्स है नहीं, यानी नया DGNA तो होना चाहिए, DGNA, DG टीचर्स, टीचर टीजीस, तो टीचर इधर भी आना चाहिए था। अच्छा, तो DG नहीं आएगा। JI, तो JINA, ZN है नहीं कहीं। यही है। ग्रेट लेसन, ग्रेट इधर है और यहाँ पर है सेकंड में। OT नहीं, NA नहीं, GN, GN हो गया ग्रेट, और लेसन इधर सेकंड में है, लेसन और कहीं है नहीं, तो OT नहीं, NA नहीं, AL हो गया आएगा, है ना। ग्रेट के लिए क्या बनाया था मैंने, GNAL, GNAL, क्लास स्टूडेंट, क्लास है नहीं, है स्टूडेंट यहाँ, यहाँ और कहीं है, स्टूडेंट नहीं है। डीजी हो सकता है, JI नहीं हो सकता, GN नहीं हो सकता, तो DG, DGVR हो सकता है, VR कहीं है नहीं स्टूडेंट के लिए, और कहीं है नहीं। डीजी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गर्ल, टुवर्ड्स अ गर्ल के सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, टुवर्ड्स अ गर्ल के सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, के की कोई सिस्टर इन लॉ ना, तो या तो के की का हस्बैंड हो, शी इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, उसकी कोई बहन हो। हाउ इज केस चाइल्ड रिलेटेड टू डैट गर्ल, के की चाइल्ड तो कजन होगी, ये क्या छोड़ा है मैंने, हाउ मेनी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल करें क्या, फर्स्ट है आपका टी, सेकंड है ई, सिक्स्थ तीन, तीन छः आर, और सेवंथ है 13, तो RAT रेट हो गया ना। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट यूजिंग वन मीनिंगफुल वर्ड, रेट बन रहा है, TA, TEA या टीयर बन रहा है, दो तो बन गए, और कुछ बन सकता है क्या, री रेट, री ए नहीं, EAT नहीं, दो बन रहे हैं, रेट टीयर। अब ये छूट गया है, ये एक नंबर का ये, और डेटा सफिशिएंसी पर अब टाइम नहीं है तो जाने दो। क्वांट आ गया, थ्री एटी फाइव, और ये क्या है, 16 × 18 दैट इज 8, 4, 14 और 4 18, 1 और 2 288, और 385 13, 16 × 17 6 -147, 147, 3 और 3 6, 6 में से चढ़ गया 2, 5, 526, और ये हो जाएगा 16, 6 तो 16, 5, 3, 5, 4, 2, 3, 1, 3, 6, अब ये अप्रॉक्स है क्या, देखो इसका तो 8 और 2 16 हो जाएगा, और ये होता है किसका, होता है 4 और 6, 30, अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या रूट निकालें इसका। 2, 8, 9, 5, 5, 7, 5, 5, 3, 3, 5, 8, 10 और 1 18, 10 और 10 20, 2, 10 और 10 20, 4 और 6 10, 10008, और ये है 7, 2, 5, 3, 1, 2, 6, 2, 5, 9, 4, 8, तो 8, 4, 9, 5, यानी 3, 10 में हो गया 1, 9 में से गया 5, 9 में से गया 1, 5, 1, 3, गलती कर दी है क्या, गलती कर दी है मैंने,
वापस 2895 5755 10 10 15 16 7 8 और है आपका 3358 8 0 9 1 10 11 और 1 12 और ये है 7253 12625 9484 8495 3 तो आना चाहिए लास्ट में, 10 में से 13 आना चाहिए लास्ट में। वन टू वन 9261 3375 6754411 11 से गया 11 11 से तो कहाँ कटेगा ये 11, ये 15 का क्यूब है, तो फिर 5357 9261 21 का क्यूब होता है। यार यार मुझे नहीं करना ये। 6.21/16 होता है, तो 800/16 यानी 2 यानी 50 500 हो गया, प्लस 83 of 83 1/12 होता है शायद, 12 यानी 60 560 120 और 60 180 740 है क्या, फिर गलती करी है तो मैं इसको करता हूँ हाफ और 1/3 5/6 5/6 of 720 600 16 2 50 650 और 120 180 780 नहीं बन पा रहा है मुझसे। मैथ में नहीं हो पाएगा लगता है आज। रुको ये मैं भी नहीं करूँगा। प्लस प्लस है 12 12 4 3 और आपके नेगेटिव है यानी छोटे नंबर के साथ ही रहेगा, और इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 28 28 21 21 और ये है 42 42 होता है आपका 14 3 और प्लस है, और यहाँ तो -3 यहाँ, और यहाँ पे 4 से 56 56 और 12 12, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, तो मेरे ख्याल से CND है ये, चार्जिंग में डालो। सिक्सटी थ्री यानी 97 सा, तो प्लस में है तो -7 9 9 -7 और है 68, तो 8 2 4 24 और 8 करें तो नहीं, 7 3 8 तो 2 दिया 6 और 1 4। ये 14 और 12 26 14 और 12 14 और 12 और नेगेटिव -12 के साथ जाएगा, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, ये सारे गलत ना हो जाएं, CND हो रहा है। ये क्यूब रूट निकालें तो नहीं निकाल सकता मैं भी। 24 64
गलत गलत कर रहा हूँ मैं यार, साइंस सारे गलत ले रहा हूँ, 12 है तो प्लस में जाएगा 20, 21 और 42, तो ये भी प्लस में जाएगा, तो प्लस 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 प्लस, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, ठीक है ये तो सी एन डी है, तो 9, 3 ये प्लस में जाएंगे, ये प्लस में जाएंगे, ये बड़ा ये बड़ा, इसमें वाई इस बड़ा कहाँ है वाई, ये मैंने छोड़ दिया है, हाँ ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस 26, 4, हाँ ठीक है 24, फिर है आपका 48 ना, तो 6 और 8 चौथा हो जाता है, 6, 8, 6, 8, 6 से बड़ा, हाँ ठीक है वाई इज़ बड़ा और इक्वल, प्लस प्लस 2, 4, 8, 3 और 5 to 10, 16 और 15 करें तो 31, तो 16, 16, 15, 15 और ये है 5, 3 ज़ा 15, 5, 9 ज़ा 13, 3 और 13 और 15 करें तो 28 आ जाएगा, 13, 15, 13, 15, ये इक्वल बड़ा बड़ा और बड़ा, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल प्लस, अरे यार ये तो बहुत लेंदी लेंदी है, 252, मैं अभी इसको नहीं कर रहा फ्रैक्शन में, ठीक है ये बात के छोड़ो, 70 तक ही है ना, ठीक है टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइव कॉलेज, कॉलेज ये रहे ये रहे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ऑल द डिपार्टमेंट इन कॉलेज सी, 0, 0, 0, 9, 10, 17, 18, 19, तो 9 आएगा एक कैरी, तो 3 कहाँ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 890, वॉट इज़ द रेशियो ऑफ कम्बाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन मैकेनिकल एंड ई सी डिपार्टमेंट ऑफ बी, मैकेनिकल और ई सी, तो ये हो जाएगा 475 टू दी डी, ये हो जाएगा 0, 520, 5, 5 9 ज़ा 45, 2, 5 5 ज़ा 5, 2 ज़ा, और तो कटेगा नहीं है, 95:2 है कहीं, 104, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन सिविल डिपार्टमेंट इन सी ई ई, सी एस ई इन सिविल, सी एस ई क्या बोल रहा है, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन सिविल डिपार्टमेंट टू डेट ऑफ सी एस ई डिपार्टमेंट ऑल 5, ठीक है सिविल और ई एस ई, तो 0, 0, 0, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 17, 18, 1 कैरी, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 980, तो ये हो गया, और 0, 0, 0 है ही, 6 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 4, 18 कैरी, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ये तो 1:1 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ई सी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज डी, ई सी इन डी 280 इज़ वॉट परसेंट टोटल नंबर स्टूडेंट इन ऑल 5 डिपार्टमेंट इन कॉलेज डी, 0, 0, 0, 10, 18, 18 और 8, दैट इज 26, 2 कैरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से 12, 13, 14, 200, 0, 2 से गया 14, 2 से गया 7 और 3, फिर तो कुछ कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा ये, तो 1400/73, 2 ज़ा 6, तो 3 से तो 1 से ही जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 6 और 14, 1, 1 से जाएगा वो, 18% कर लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन आईटी डिपार्टमेंट इन ऑल 5 कॉलेजेस, 0, 0, 0, 9, 5, 14, 14 और 7, 21, 21 प्लस 9 डेट इज 30, 38 कैरी, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 से जाएगा 16, 18, 196, अब मेरे ख्याल से कुछ है नहीं करने लायक मेरे लिए, तो मैं
500 kg टमाटर इतना, 20 kg ऑफ देम रॉटन, एट वॉट रेट शुड द रेस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट? मार्क्स ऑफ 80 लेटर वाज फाउंड देन द टू स्टूडेंट्स वर रॉन्गली टेकन एज 50, ठीक है तो 1640 टोटल ये है, इसमें से हमें माइनस करना है रॉन्गली टेकन एज 55 एंड 62, यानी 7 और 11 ये माइनस करो, 3 5 में से क्या 4 0 4, और ऐड क्या करना पड़ेगा तो 5 और 2 7 और 11 117 ही ऐड करना पड़ेगा। ये तो सेम है, एक्चुअल एवरेज तो वही रहेगा, 80 रहेगा। कंबाइंड सैलरी ऑफ दीपक सुदीप इतना, सुदीप स्पेंड 50% सैलरी एंड दीपक स्पेंड 60 ऑफ द सैलरी, द सेविंग ऑफ बोथ द एम इज सेम, व्हाट इज द सैलरी ऑफ सुदीप? सपोज एक्स और वाई है, ये 100 और ये 100 y, 50% तो सेविंग स्पेंड 50% ऑफ द सैलरी, तो सुदीप 50 यानी 50x सेविंग है, दैट इज इक्वल दीपक का 40% ऑफ वाई, 0 0, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 4/5। सैलरी ऑफ सुदीप पूछ रहा है मुझसे, यानी एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, 9 की वैल्यू है आपकी 10800, यानी 12, 30 है ना, हाँ 12,000 है एक एक की वैल्यू, तो सुदीप की एक्स है तो 48, ये कर दिया। द रेशियोस रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम ऑफ ए बोट इज 2:1, इफ द बोट कैन कवर 96 इन डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स, फाइंड द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वाई की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। तो 96 टू एक्स इक्वल टू 9 48, 60 108 by x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 12 24 और 12, 0 2 तो 6 है क्या, 6 सुमन और कबीर 37 और 46, आफ्टर जेड ईयर देयर रेशियो एज ऑफ सुमन टू कबीर इज 5:6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? तो 37 + x और 46 + x इज इक्वल टू 5/6, 6x + 37 यानी 180 और 42, 2 2 2 इज इक्वल टू 5x + 230, आठ एट। एम कैन डू ए वर्क इन 80 days एंड इज 4 times एज एफिशिएंट देन एम, फाइंड द टाइम टेक एम एंड एन टुगेदर। वर्क इन 80 days एंड इज 4 times ऑफ एम, ठीक है तो एम का 1 ले लेते हैं, टोटल वर्क ये है, एम और एन 5 कितने दिन में ना, 2 16 दिन में। ये तो भैया अभी प्रैक्टिस ही नहीं रही। ए पर्सन डिपॉजिट रुपीज एम फॉर 8 years इतना एंड गॉट इतना इंटरेस्ट, ठीक है तो 18 15 8 से आना, तो 120x = 2880, 12 2 24, 40 12 4 जा, एक्स की वैल्यू 24 है। हैड द टाइम बीन 6 year व्हाट वुड हैव बीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू गेट द सेम इंटरेस्ट ऑन इन, क्या रे बोल रहा है, हैड द टाइम बीन 6 year व्हाट वुड हैव बीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज रुपीज एम? देखो 24,000 तो ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है ना मुझसे, आर अपॉन 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना बता रहा है, 2880, तो ये गए यहाँ से, तो 12 2 12 2 12 4 2 12
2%, 2% आ रहा है। कुछ गलती करी है। टू परसेंट आ रहा है। नन ऑफ दिस करो क्या? ट्रेन मूव्स एट स्पीड ऑफ 162 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड्स। तो 162 5/18 45 हुआ ये तो। ठीक है, ट्रेन की ये रही स्पीड है ट्रेन की 45 और क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड। इट टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस ए ब्रिज विच इज़ ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म। 2P 45 18 लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है मुझसे। तो into 45 माइनस 2P, तो मुझे P में माइनस T कर दो। माइनस T अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 into 45 माइनस T। तो 2 से काटेंगे तो पूरा ही कटेगा ना ये तो। कैलकुलेटिव है ये। जाने देता हूँ। हाइट ऑफ द कोन सिलेंडर, हाइट इतना मीटर इतना इस मेल्टेड अमेरिका से कोन विद डायमीटर ऑफ 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अब है नहीं टाइम। सो 15 15 by 12। कैलकुलेटिव है, हटाओ। ज़्यादा अच्छे नंबर तो आएंगे नहीं। सेंटेंस इज करेक्ट विदाउट टेलिंग एनी वन ऑफ देयर इंटेंशन। देयर की स्पेलिंग रॉन्ग है। इंटरनेशनल ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द न्यू कोविड प्रोटोकॉल इन द US वुड प्रोबली नॉट बी फीसिबल, बट देर कुड बी ए मॉडिफाइड वर्जन इन विच ऑल ट्रेवलर शाल बी टेस्ट ऑन अराइवल। वर्जन इन विच ऑल ट्रेवलर्स शुड बी टेस्टेड आएगा क्या? ऑल शुड बी टेस्टेड ऑन अराइवल। द पॉपुलिस्ट टेक डायरेक्ट एम एट द कंजर्वेटिव्स एंड दे अचीव्ड अ स्टनिंग सीरीज ऑफ पॉलिटिकल विक्ट्रीज थ्रू आउट द रीजन। टेक नहीं आएगा, टुक आएगा ना। टुक डायरेक्ट एम्स एट, टुक डायरेक्ट एम लिस्ट है तो टुक डायरेक्ट एम्स। प्लूरल है तो एम्स आना चाहिए ना। पॉपुलिस्ट टुक डायरेक्ट एम एट। एम है या एम्स है क्या लगाएं? एम लगा देते हैं। द एक्सट्रीमिटी ऑफ US अबॉर्शन ज्यूरिसप्रूडेंस इज नॉट ओनली आउट ऑफ स्टेप विद मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट्स विद दी बट इट ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट्स नॉट ओनली
आउट ऑफ स्टेप, बट इट ऑल्सो इज नॉट ओनली आउट ऑफ वर्ल्ड विद मोस्ट ऑफ द नॉट ओनली इज आउट ऑफ स्टेप, नॉट ओनली तो ठीक है, आउट ऑफ स्टेप, बट इट ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद द ओपिनियन ऑफ द मोस्ट. इज नॉट ओनली आउट ऑफ वर्ल्ड तो बोलते नहीं है, आउट ऑफ स्टेप, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. वॉज आएगा नहीं, इज ही आएगा, इज आउट ऑफ स्टेप. इज आउट ऑफ स्टेप लगा नहीं सकते, नॉट ओनली चाहिए क्योंकि आगे बट ऑल्सो है. द मिनिस्ट्री हैज सुपरवाइज टीम्स क्लियरिंग माइंस फ्रॉम रिकैप्चर टेरिटरी, ए ऑपरेशन इन विच डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड. एन ऑपरेशन आएगा ना, एन ऑपरेशन इन विच क्या है ये क्लोज टेस्ट इन अ डेवलपमेंट डेट इज ए मैटर ऑफ डैश टू बोथ इंडिया एंड नेपाल. चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू डैम ऑन, ठीक है, डेट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न. इन टिबत क्लोज टू ट्राई जंक्शन सेटेलाइट इमेजनरी इमेजरी हैज डैश हैज अनकवर्ड हैज रिवील्ड. ठीक है, द न्यू डैम इज लोकेटेड इतना इतना एरिया अकॉर्डिंग टू सोर्सेस. मजबा जेंगबो डैश इन नागरी कंट्री ऑफ टिबेट फ्लोज थ्रू द नेपाल इन टू द घाघरा रिवर बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा. राइजेस ओरिजिनेट्स हो सकता है, ओरिजिनेट्स इन ए ट्वीट ऑन जनवरी 19 ए जियो स्पेशल इंटेलिजेंस रिसर्चर एट द इंटेल लैब एज पर हिज ट्विटर प्रोफाइल पोस्टेड सेटेलाइट इमेजेस ऑफ द डैम्स बिल्डिंग डैम्स कंस्ट्रक्शन. This image shows the activity since May. Itna. In addition to using water as influence, the possibility of military establishment by China near Tri-Junction cannot be ruled out. In addition to using water as a leverage, you are required to replace the highlighted phrase with one or more of the words. The psychiatrist reading from a folder in front of him said he would present fictitiously to do a cross examination, that he would pretend to do a cross exam. He would pretend kyun hua, he would believe to do a, he would shun, he would represent frictionlessly, he would represent frictionlessly to do a pretend. प्रिटेंड ज़्यादा ठीक है ना, ही वुड प्रिटेंड टू डू ए क्रॉस एग्जामिनेशन. ही वुड शन ओनली टू है नहीं, हाँ है ना. एन ऑक्शन इन लेड हिम टू रंडल प्लांटेशन एंड हिज शॉकिंगली रेपेलेंट अवेकनिंग. एंड हिज ग्रूसम अवेकनिंग घेस्टली हो सकता है. पोस्टेरिटी तो पीछे की तरफ नहीं, तो इसमें भी ओनली टू है फिर. हेल्थ कैन डिस्टर्ब स्लीप बट पुअर स्लीप में ऑल्सो बी ए एडवांस वार्निंग और ए रिस्क इटसेल्फ. दे से में ऑल्सो बी एडवांस वार्निंग फॉर फॉर सी वार्निंग वंडर तो नहीं आएगा. कैन ऑल्सो बी ए फॉर वार्निंग can also be a foresee. वन तो है foresee, ठीक है क्या, forecast, foretell हो सकता था, foresee भी होता है क्या. वन लगा रहा हूँ. ये क्या है पीछे, फाइंड आउट द एरर. द एंटायर स्कूल यही है ना लास्ट में, और तो कुछ है नहीं. ठीक है दो है ये तो, आरसी करेंगे फिर. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एम एफ एच
एग्जीक्यूशन ऑफ महाराष्ट्र फिनटेक पॉलिसी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फिनटेक सेक्टर टू लेवरेज टेक्नोलॉजी प्रमोशन ऑफ फिनटेक MFH. फिनटेक टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इट इज एज इट इज कॉल्ड हैज ब्रॉट आउट अ वर्ल्ड चेंज इन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग. इतना इतना अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स 40% ऑफ डिजिटल आर हैपनिंग इंडिया. द हाई रेट ऑफ इंटरनेट स्मार्टफोन मल्टीप्लाइड द डिजिटल मोडल इज प्रोमिनेंट इन इंडियाज ग्रोइंग फिनटेक सेक्टर विद एबिलिटी सर्व ऑप्शन. इतना 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 एज पर द स्टडी इंडियाज फिनटेक स्टूड इतना मिलियन एंड एस्टिमेटेड ग्रोथ इतना. देर आर करंटली मोर देन इतना फिनटेक वॉल्यूम इतना. इंडियन फिनटेक अडॉप्शन स्टैंड 80%. ठीक है. जायंट लीप इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इतना इतना इतना. यहाँ यहाँ पर है, पढ़ते हैं इसको. ए जायंट लीप इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इनोवेशन शाल अनेबल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. हैंस द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनिशिएटेड द मुंबई फिनटेक हब एस्टेब्लिश विद द सोल पर्पज ऑफ एक्सिक्यूटिंग महाराष्ट्र फिनटेक पॉलिसी एंड प्रमोटिंग फिनटेक इकोसिस्टम इन द स्टेट. तो वन एंड थ्री है. वन थ्री है कहीं यहाँ ऑप्शन में? नहीं है तो फिर तो टू भी आएगा फिर. इज द फर्स्ट ऑफ इस काइंड. महाराष्ट्र हैज़ बीन द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र स्टेट फिनटेक पॉलिसी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फिनटेक टू लेवरेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रमोशन ऑफ फिनटेक इकोसिस्टम है. 1-3 है रहा हूँ. और ये नहीं है ना, लेवरेज की बात नहीं हुई है. अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनटेक. एनकरेजिंग द बिल्डिंग ऑफ वाइब्रेंट इकोसिस्टम प्रमोटिंग ओपन बैंकिंग प्रमोटिंग यूज केस ड्रिवन अप्रोच डिजिटल एंगेजमेंट एम्पावरिंग एंड कल्टिवेटिंग ए टैलेंट पूल. एडवांटेजेस कहाँ होंगे फिर इसके? ऑब्जेक्टिव ऊपर तो नहीं थे, नीचे देख लेते हैं. वॉज डिजाइंड एंड डेवलप टू एस्टेब्लिश मोबाइल ग्लोबल मीटर. इट सपोज इंडियाज फिनटेक टू लेवरेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड कोलाबरेट विद द स्टेक होल्डर्स ग्लोबली. इट हैज़ बीन एक्टिवली एंगेजिंग अक्रॉस महाराष्ट्र थ्रू इनक्रेज गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्ट ऑल एफर्ट्स टू अचीव द विजन एंड इन्वेस्ट इन. ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनटेक इंक्लूड प्रमोटिंग ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ये तो है ओपन वाला. इंक्रीजिंग फाइनेंशियल एक्सेस. फाइनेंशियल एक्सेस कहाँ है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंकरेजिंग द बिल्डिंग ऑफ वाइब्रेंट इकोसिस्टम. बिल्डिंग है वही, ये भी है तो 1-2 तो है. सिस्टम एम्पावरिंग एंड कल्टिवेटिंग टैलेंट पूल ये भी है. तो डिजिटल एंगेजमेंट विद सिटीजन ये भी, ये नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल मोड्स आर स्टेटेड इन द पैसेज रिस्पॉन्सिबल इंडियाज ग्रोइंग फिनटेक. डिजिटल माइक्रो फाइनेंस डिजिटल लैंडिंग डिजिटल इंश्योरेंस ऑनलाइन KYC. द फाइनेंस यूज अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट लाइक डेटा एनालिटिक्स. इट्स अलाउज कंपनी टू नो द फाइनेंशियल बिहेवियर. दे कैन यूज दिस डेटा फॉर प्रेडिक्टिंग एनालिसिस कीपिंग इट एज अ बेस. द इंडियन फिनटेक मार्केट एक्सपेक्टेड टू इतना रेवेन्यू इतना. फिनटेक हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली ओवर ईयर. ग्लोबल इन्वेस्टर लुक फॉरवर्ड टू इंडिया एज ए हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. विद द लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसी मोर एंड मोर यूथ ऑफ इंडिया लुकिंग फॉरवर्ड. महाराष्ट्र इमर्जिंग इतना. तो भाई डिजिटल मोड के लिए ऊपर जाना पड़ेगा क्या? द डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन इज प्रोमिनेंट इन इंडिया ग्रोइंग इतना इतना. ऑप्शन लाइक डिजिटल लैंडिंग. डिजिटल लैंडिंग है सेकंड. ऑनलाइन KYC फोर्थ भी है. डिजिटल माइक्रो फाइनेंस भी है. तो 1, 2 एंड 4. इंश्योरेंस नहीं है ना? तो 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4. अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स. ये इधर था. इट अलाउज कंपनीज टू नो द फाइनेंशियल बिहेवियर. प्रिडिक्टिव एनालिसिस एक्ट एज अ बेस ये है. टू हेल्प रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर ये भी है. एक्ट एज रेगुलेटरी कंप्लायंस ये नहीं दिया है ना? तो 2-3. अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगेज अंडर फिनटेक. रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फिनटेक स्टार्टअप इन्वेस्टर्स. फिनटेक पॉलिसी कहाँ पर होगा ये? फिनटेक सेक्टर टू लेवरेज टेक्नोलॉजी फिनटेक स्टार्टअप्स इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी बॉडीज. तो 1-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. 1-2-3 इन्वेस्टर्स सब है.
फॉलिंग कैन बी इन्फर्ड, सम स्मार्टफोन्स आर वन ऑफ द स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स. हाँ ये है, द लैक ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स इज द रीज़न वाई वी नीड टू अट्रैक्ट ग्लोबल. ऐसा नहीं कह सकते, देर इज़ नो रेड टेप इन फिनटेक सेक्टर. रेड टेप का मालूम नहीं, तो ये हटा ही दो इन्फर वाले. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अकॉर्डिंग टू पैसेज, फिनटेक इज एस्टिमेटेड टू ग्रो 30.2 बिलियन बाई 2025. इंडियन फिनटेक मार्केट एक्सपेक्टेड टू रीच 1 ट्रिलियन इन AUM एंड 200 मिलियन रेवेन्यू. नहीं, मुझे परसेंटेज देखना है. परसेंटेज किधर है? थर्टी वन परसेंट CAGR, इंडियन ग्रोइंग है 21%, 21-25. तो ये तो गलत है, दो तो गलत है. यहाँ 31 दिया है, तो दो तो फॉल्स पूछा है ना, तो दो तो आएगा. एक्सपेक्टेड टू रीच 200 ट्रिलियन इन AMU, 200 ट्रिलियन एंड 200 बिलियन है, तो ये भी गलत है. तो 2-3 तो है, 1 एक बार और चेक करेंगे हम. ग्रो बाय बिलियन इन 2025. एस्टिमेटेड टू 150 बिलियन, तो ये भी गलत है. तो ऑल आर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स टू पेंडियस एज गिवन इन द बोल्ड. सिंस देन द इंडियन फिनटेक सेक्टर हैज बीन स्टूपेंडियस, हैज सीन स्टूपेंडियस ग्रोथ. शानदार, तो ऑर्डिनरी बोलेंगे एंटोनिम में. नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्लविंड एज इट इज कॉल्ड हैज ब्रॉट अबाउट अ वर्ल्ड चेंज इन द वर्किंग ऑफ द स्विफ्ट है, अबाउट अ डैश चेंज, स्टॉर्म चेंज, डिटेन प्लेंटीफुल. नहीं, स्विफ्ट चेंज. स्विफ्ट तो होता है स्मूथली चेंज, पर यहाँ तो एकदम तगड़ा चेंज हो रहा है. वर्लविंड, मेरे ख्याल से स्टॉर्म ठीक रहेगा. स्टॉर्म, तूफानी चेंज. ब्लैंक ए. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्ट्स ऑल एफर्ट्स टू अचीव द विजन एंड इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बाय नर्चरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंट टैलेंट, एनकरेजिंग इनोवेशंस एंड डैश द फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड एंड कैटलाइजिंग. ING तो आएगा पहली बात तो ये फॉर्म के हिसाब से. बाय नर्चरिंग ग्लोबल, एनकरेजिंग इनोवेशन एंड कैटलाइजिंग. हिंडरिंग हो नहीं सकता, ING आएगा. को पैरेललिज्म पैरेललिज्म मेंटेन किया हुआ है. बाय नर्चरिंग ING आया, बाय एनकरेजिंग ING आया, तो बाय कैटलाइजिंग ING आना चाहिए था यहाँ पे. तो अब हम करेंगे पीजे. इमिडिएटली फॉलो आफ्टर सी, पहले पढ़ ही लेते हैं. विद द ब्लेंड ऑफ फिजिकल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग हैज़ क्रिएटेड अ पावरफुल न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट टू अडॉप्ट अ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स. दिस एनवायरनमेंट हैज़ प्रूवन टू बी हाईली इफेक्टिव एंड एफिशियंट. द मोस्ट एफिशियंट टेक्निक विच एनहेंस स्टूडेंट एक्सपीरियंस इवन एट द इंडिविजुअल लेवल आर प्रोड्यूस्ड बाई हाइब्रिड लर्निंग. इट हैज़ देयरफॉर बिकम वेरी पॉपुलर अमॉन्ग ऑल टेक इकोसिस्टम. दिस एम्प्लॉयज अ फ्लेक्सिबल. ठीक है, तो द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक विच एनहेंस स्टूडेंट आर प्रोड्यूस बाय हाइब्रिड लर्निंग. हाइब्रिड लर्निंग विद अ ब्लेंड ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन, हाइब्रिड लर्निंग हैज क्रिएटेड पावरफुल न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट टू अडॉप्ट ए वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स. तो बी से शुरू कर सकते हैं. बी के बाद आएगा डी. द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक विच एनहेंस इतना इतना इज हाइब्रिड लर्निंग. फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें फिजिकल, अगर हम ब्लेंड कर दें फिजिकल क्लासरूम का, हाइब्रिड लर्निंग हैज़ क्रिएटेड ए पावरफुल न्यू लर्निंग एनवायरमेंट. नहीं, तो यहाँ पहले ए लगा सकते हैं. बी ए डी. टेक्नोलॉजी हैड मोस्ट पॉसिबल टू अडॉप्ट वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स.
With a blend of physical classroom instruction with online learning, hybrid learning has created a powerful new learning environment. नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, डी के बाद ही ए आएगा. एनवायरमेंट ए में एनवायरमेंट है, तो दिस एनवायरमेंट हैज़ प्रूवन टू बी हाईली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. ए के बाद सी, तो कौन सा बचा? ए बी सी डी हो गया, ई एफ बचा. दिस एम्प्लॉयज अ फ्लेक्सिबल बैलेंस ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन अप्रोच, इट इज़ देयरफॉर वेरी पॉपुलर अमोंग. तो एफ ई, एफ ई. एक बार अच्छी तरह पढ़ते हैं. बी, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट टू अडॉप्ट अ वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स. टेक्निक्स बी के बाद डी, द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक विच हैनेंस इतना इज हाइब्रिड लर्निंग. डी फिर है, विद ब्लेंड ऑफ फिजिकल क्लासरूम विद ऑनलाइन हाइब्रिड लर्निंग हैज़ क्रिएट अ पावरफुल न्यू लर्निंग एनवायरमेंट. एनवायरमेंट फिर, दिस एनवायरमेंट हैज़ प्रूवन टू बी हाईली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. दिस एम्प्लॉयज अ फ्लेक्सिबल बैलेंस ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन. और फिर ई, इट हैज़, ठीक है, बन गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इमिडिएटली फॉलो द स्टेटमेंट सी आफ्टर द रीअरेंजमेंट. सी के बाद एफ आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इमिडिएटली प्रिसीड स्टेटमेंट सी. सी से पहले है ए. विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन, वट विल द पोजिशन ऑफ एफ आफ्टर द रीअरेंजमेंट? 1, 2, 3, 4, 5th. वट विल द पोजिशन ऑफ ई आफ्टर द रीअरेंजमेंट? लास्ट होगा 6th. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर, फर्स्ट होगा बी. सही हो पीजे, उम्मीद तो ये रखते हैं. द एंटायर स्कूल शफल्ड इन टू द ऑडिटोरियम वेयर ईच ऑफ अस 8 ग्रेडर्स वॉज अवार्डेड ए सर्टिफिकेट. वॉज गलत है, वर अवार्डेड आएगा. ईच ऑफ अस वॉज अवार्ड, हाँ ठीक है ये. द पायरेट क्रू डिसबैंड इन टेरर, फॉरगॉट द कैप्टिव्स, इग्नोर द ऑर्डर्स एंड जम्प्ड ओवरबोर्ड. माई फादर मेड मैप्स फॉर द मैन हु अटेम्प्टेड टू असैसिनेट हिटलर. फॉर द मैन हु अटेम्प्टेड टू असैसिनेट. वॉकर सेड दैट बकी, हु इज अदरवाइज काम, हैड बिकम पॉजेसिव अबाउट हर डॉग व्हेन अदर डॉग्स ट्राइड टू से. When other dogs tried गलत है नहीं है, tries to say hello. tried में problem है क्या? Walker said that Bucky, who is otherwise calm, had become a possessed of her dog. When other dogs tried to say hello. यहाँ मुझे tense की problem है लग रही है. और ईच है तो फिर वॉस ठीक है. ईच ऑफ अस 8 ग्रेडर्स वॉस अवार्डेड ए सर्टिफिकेट. एंटायर स्कूल शफल्ड इन टू द स्टोम ऑडिटोरियम, ठीक है, डी के साथ जाते हैं. एन अनपेन एंड कल्चर्ड मैन, पोप बेनेडिक्ट वॉज एन अकम्प्लिश्ड पियानिस्ट विद ए पेंचेंट ऑफ. तो देखते हैं गाइस क्या स्कोर, क्या परसेंटाइल आता है. सबमिट हो गया है. ओके, 43 मार्क्स आए हैं, 56 परसेंटाइल है. 2 इधर 3 इधर गलत हैं, तो रायता फैल चुका है. देख लेते हैं कौन से गलत हैं. सॉल्यूशन मोड, दो इधर गलत हुए हैं, एक ये गलत हुआ है. ओनली 2 आना था, और इसमें 2 बना लिए थे, टीयर और रेट. टायर भी आएगा, 3 आएंगे. कॉन्ट में तो क्या ही बोलूँ मैं, 2 से जा रहा था क्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है. ये तो पता ही नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ. यहाँ पे लास्ट में 1-3 तो आ रहा था, 9-3 क्यों आ रहा है? 9 में से, हाँ, 9-3, और ये 2 नहीं, 20% था, कहीं 0 छूट गया होगा मुझसे. इंग्लिश के तो खैर मार्क्स काउंट होंगे नहीं, तो देख लेते हैं. इसमें 1 एंड 2 आएगा, ग्रूसम एंड गैस्टली आएगा. ओके, नहीं मैंने, हाँ 1 2 किया, मैंने सिर्फ 2 किया था, ग्रूसम भी आएगा. फिर 94 में स्विफ्ट आएगा. स्विफ्ट का मीनिंग क्या दिया इन्होंने? हैपनिंग क्विकली और प्रॉम्प्टली. अच्छा, स्मूथ नहीं होता है स्विफ्टली,
थोड़ा क्विकली होता है इसका मीनिंग, तो स्विफ्टली आएगा फिर, ठीक है। और ये हमारा गलत हो गया है, मैंने बनाया था बी डी ए एफ सी ई और इनका है बी डी एफ ए सी ई, एफ ए सी ई एफ लगाया है तो इन्होंने बी डी एफ लगाया, डी के बाद दिस एम्प्लॉयज़ फ्लेक्सिबल, ओके, फिर ए लगा दिया, ठीक है, फिर सी लगा दिया, फिर ए, ठीक है, फिर ये गलत हो नहीं था। और इसमें ये है गलत, एंड जम्प ओवर बोर्ड, एंड जम्प ओवर बोर्ड, ठीक है भाई, और ये अटैम्प्ट कर नहीं पाया था मैं तो। तो ये था गाइस आज का स्कोर, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, परसेंटाइल 56 परसेंटाइल है और मार्क्स मेरे 43 हैं, कट ऑफ 46 थी, तो ये मॉक नंबर 13 था मेरे ख्याल से। तो अगर आपने दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या स्कोर रहा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।